अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मीज़ान बैंक में अपना अकाउंट खोलने का इरादा रखते हैं या अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, और बहुत ही इजीएस्ट वे है जो अकाउंट खोलने का। अगर आप कोई अपना प्रूफ ऑफ इनकम नहीं देना चाहते, आप बस चाहते हैं कि आपका एक मीज़ान बैंक में अकाउंट हो, तो आज मैं आपको दो अकाउंट बताऊँगा, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो इसका नाम है मीज़ान आसान अकाउंट, आसान करंट अकाउंट है और आसान सेविंग अकाउंट है। तो वीडियो से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और उसके अलावा अगर आपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको वीडियोस नई आने वाली फ़ौरन मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियोस की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मीज़ान का आसान करंट अकाउंट है। आसान करंट अकाउंट ये है कि आपको इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की नहीं ज़रूरत, आपको जस्ट अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं तो आप अपना पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप अपना NICOP भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड या पेंशन बुक, कोई भी आपके पास ओरिजिनल लीगल डॉक्यूमेंट है, इनमें से आप लेके जा सकते हैं। सिंपल आपने 100 रुपया डिपॉजिट करवाना है, और उसके अलावा आपने अपने इस किसी NICO उनको दिखाना और आपका ये अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इसमें एक छोटा सा फॉर्म होता है, बैंक आपको वो खुद फॉर्म फिल करके दे सकता है या आप वो फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या बैंक जाके भी फिल कर सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट के अब कुछ कंडीशन की बात करते हैं कि मिनिमम डिपॉजिट आपको पहले 100 रुपया इसमें डिपॉजिट करवाना होगा अकाउंट खोलते वक्त। उसके बाद आपको इसकी इंटरनेट बैंकिंग फ्री मिलेगी। उसके अलावा आपको जो विड्रॉल है उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप मैक्सिमम 5 लाख रुपये इसे विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। और आपकी जो क्रेडिट बैलेंस की लिमिट है वो भी 5 लाख की है। 5 लाख से ज़्यादा होगी तो ये आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जिस तरह मोस्टली इस तरह के होते हैं जिसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम ना देना हो तो स्टेट बैंक की जानिब से कुछ उस पर फिर गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और इसमें बिल्कुल ऐसा है। तो 5 लाख तक आप इसमें इसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो फिर आपको इस तरह अगर एक आसान अकाउंट चाहिए तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। बहुत से लोग ATM कार्ड का पूछते हैं, तो इसमें बिल्कुल आपको ATM कार्ड मिलेगा। वीज़ा का डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि आप ग्लोबली एक्सेप्टेड है, आप पूरी दुनिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, उसके अलावा जहां भी आप यूज़ करें वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। उसके अलावा आपको ऑनलाइन बैंकिंग भी फ्री प्रोवाइड की जाएगी और आपको तकाफुल कवरेज भी दी जाएगी। अब आगे जो मीज़ान सेविंग अकाउंट है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, सारे फीचर्स उसके बिल्कुल इसी तरह हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट भी दिया जाएगा। आपकी जितनी सेविंग है, मिनिमम आपने 100 रुपये डिपॉजिट करवाना है, और आपको 6.26 यानी 6.26% एनुअली प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसको ये इंटरेस्ट फ्री कहते हैं या रिबा फ्री कहते हैं मीज़ान बैंक वाले। और इसमें प्रॉफिट में आपको, उसके अलावा आपको इसमें वो इंश्योरेंस जिसको तकाफुल कहते हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे एक बात कर दूँ कि जो कि आपका प्रॉफिट होगा वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, यानी अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये सेविंग पड़े हैं और अगले दिन 15,000 पड़े हैं, तो पहले दिन 10,000 का होगा और अगले दिन 15,000 पे जितना बनता है डेली का, और आपको मंथली पे किया जाएगा, वो आपके अकाउंट में मंथली आ जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ आती रहेंगी आसान अकाउंट्स पे के जो सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। और वीडियो को एक बार फिर मैं कहूँगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।